evening. Aye. बीस पच्चीस हंडिया ऐसे हम लोग तो यहीं से पीते हैं। हाँ। बाकी जो बच जाते हैं वो चपाकल में पीते हैं। हाँ। तो जैसे देखिए अभी ठंड के लिए हम लोग सभी तो चपाकल के ही पानी पीते हैं। हाँ। जब चपाकल जवाब दे देती है दो तीन डब्बा निकालिएगा। हाँ। उसके बाद चपाकल बंद हो जाता है। पानी है कि कुएं है एक चपाकल है। हाँ। दो तीन काल चपाकल तभी सूख जाता है। दो तीन डब्बा लोग चलाते हैं तो भी चक जाता है। जैसे हम लोग भी तो नाली सबसे पहले बनाने के काम किए मिट्टी खोद कर। हाँ। हम लोग तो ये पानी इतना उम्मीद रख रहे हैं कि हम लोग घर तक पानी ले जाएंगे। तो ये लगभग आधा किलोमीटर लंबा होगा आपके अंदाज से? जी हाँ। जी हाँ। हाँ। तो ये जंगल बहुत भयंकर था। अच्छा। पहले जैसे कह रहे हैं सर कि शेर घूमता था उस समय हम लोग। हाँ। माने उसके डर से हम लोग माने जानवर रखते थे पीछे पीछे। हाँ। और उस पर भी मैंने शेर इथी कर देता था हम लोग। जंगल का स्थिति खराब हो गया। अब जंगल धीरे धीरे गुजर रहा है। हाँ। जैसे पहले। हाँ। पहले देखिए केंद मिलता था, प्यार मिलता था, बेल मिलता था, हम लोग खाते थे। और अभी के तो वो सब कहानी खत्म हो गया, सब उजड़ गया। दवाई दारू पहले नहीं ये सब करते थे इंग्लिश वाला। हाँ। जितना भी करते थे से मैंने जंगले जड़ी बूटी से खा के मैंने हम लोग ठीक हो जाते थे। हाँ। अब ही जो ऐसे जब तक मैंने इंग्लिश वाला नहीं खाते पीते हैं तब तक मैंने ठीक नहीं होता। पहले के जाड़ा जैसे होता था सर, हम लोग जानवर जैसे भैंसा खोलते थे ना उस समय मैलान चराते थे तो पैर जो है एकदम पूरा ठिठोर जाता था और हम लोग एकदम एरिया तर मने बटर चलते थे धूप मने ये करने वास्ते। लेकिन अभी के देखते हैं ठंडा बहुत कम और गर्मी गर्मी ज़्यादा हो गर्मी ज़्यादा। दिस इज़ द फॉरेस्ट ऑन टॉप ऑफ द विलेज ऑफ कोसमाई एंड लक्ष्मीपुर। हेविली डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड एज फार एज यू कैन सी इट्स क्वाइट हेजी एंड इन बिटवीन देर इज़ दिस रायती land where people cultivate who are now struggling because of loss of rain and loss of water, but this is what the terrain looks like and some of the women have been very valiantly saving the forests here. इधर का जितना पानी है ये सब पानी आपका गांव का तरफ जाता है। हाँ। इधर से सना पड़ जाता है। हम लोग कोशिश करते हैं क्या इतना बड़ा जो ट्रेंच बनाया है आपने हम लोग उससे पहले कोशिश करते हैं जी इसका बीच बीच में रोक देते हैं पानी। हाँ। मोटा मोटी ये समझ लीजिए सर कि हमारा गांव का जितना भी है समस्या करीब करीब 70% खत्म हो जाएगा पानी अगर आ गया तो। हाँ, पानी आ गया तो। ये सूखा पत्ता घूम रहा है सूखे जमीन है लोग बोलता है उसमें प्रेत घूमता है भूत। हाँ। हाँ। 25 किलोमीटर दूर चला जाएगा मतलब यहाँ से आपका क्या कौन सा जगह से आया है? डोमचाच चला जाएगा। एक घंटा में यही जो पानी यही था वो एक घंटा में चला जाएगा डोमचाच। जो पानी मिट्टी का ऊपर से जा रहा है ऊपर से जा रहा है और मिट्टी का नीचे से जो जा रहा है वो आपका 33 से इतना जाएगा एक दिन में। एक दिन हुआ तो इतना जा रहा है तो मिट्टी का नीचे से जो जा रहा है तो आज जो वर्षा हुआ आप उसको हम जो आपको उसी पहाड़ के ऊपर बोल रहे थे जो भाग रहा है उसको नीचे दीजिए उसी लिए
तो वो क्या होगा, मेरा चैत मास फाल्गुन मास तक वो हमारा गांव पहुंचेगा, नीचे नीचे जा रहा है। और उस वक्त जरूरत उस पानी का उसी का है। बरसात में तो कैसे, बरसात में तो पानी मिलते जा रहा है। हाँ। बरसात जब बंद हो गया तो 6 महीना 5 महीना लगा उसको वहाँ पहुँचने में, तो उस वक्त में वो पानी वो वहाँ जा रहा है, मिल रहा है। हम लोग पानी देखना चाहते हैं आंखों में, और मिट्टी के नीचे जो पानी जाता है वो देखता नहीं है, वो दिखता नहीं है ना, वो खाली तभी दिखता है जब जिंदा नाला में देखते हैं। सोवा जब निकल जाता है आता कहाँ से है, मिट्टी के नीचे से ही तो आता है वो, तो ऊपर का पानी आप मिट्टी के ऊपर जब रखेंगे ना, धूप उतना पानी को ऊपर लेके चला जाएगा, लेकिन मिट्टी का नीचे वाला पानी धूप उतना नहीं लेगा। पानी का बैंक मिट्टी का नीचे है, ऊपर में नहीं है। पशु पंछी जो है वो मतलब प्यासे मतलब मर रहा है, और पेड़ पौधा ऐसे देख रहे हैं कि वो भी मर रहा है, तो इसीलिए गड्ढा मतलब सब चीज बचाने के लिए, पानी पीने के लिए गड्ढा खोद रहे हैं हम लोग आपस में। हम लोग सब मिल करके विचार करके मीटिंग किए कि चलिए हम लोग गड्ढा खोद के पानी रोकाएं, यदि ऊपर से बारिश ऐसा होगा तो पानी उसमें डूबेगा तो सब चीज सही रहेगा। देखते थे कि जंगल बहुत काट रहा था, तो जंगल जब काट रहा था तो मैंने कहीं पशु पंछी जानवर को चरने तक मतलब ये नहीं रहता था कि बोले हाँ पाला खाने के लिए नहीं। हम लोग आपस में मीटिंग करके महिला ग्रुप में ना मीटिंग किए और बोले कि चलिए हम लोग जंगल मीटिंग करके बारी बारी से हम लोग छाट करके और रोकेंगे, तो बारी बारी से हम लोग छाटे, उसके बाद में हम लोग पारी बांट लिए और 2 महिला 3 महिला करके डीपी दिए नाश्ता करके। हाँ। 3 बजे 4 बजे फिर लौट जाते हैं। अच्छा, और जो महिला नहीं जाती थी उसको फैन लगते हैं। और दीदी कैसे जंगल में 3-3 महिला ड्यूटी देते थे ना, तो को पकड़ा गया, और दीदी हम लोग से 3 आदमी से नहीं हो रहा है, हो सकता है कि उधर के जेंट्स लोग रहता है तो जेंट्स थोड़ा महिला से बगजग ज्यादा करते हैं ना, तो ऐसे करते हम लोग दो लोग हैं, 2 महिला रह जाते हैं, 1 महिला को भेज देते थे घर कि जा करके सब दीदी को बुला के ले आई। अब घर वो महिला जाती थी, सब दीदी आ करके और उन लोग को फिर हम लोग पाबंदी करके उन लोग को हटा देते थे। जंगल है तो सर तो शुद्ध हवा मिलता है, वन पत्तल जो लकड़ी झुरी जो होता है सब हम लोग सब चीज जंगल से करते हैं। और जंगल है तो बारिश भी होता है सर, देखते हैं कि जहाँ जंगल नहीं वहाँ बारिश भी नहीं हो रहा है, और हम लोग जंगल रखे हैं तो बारिश मिलता है, शुद्ध हवा मिलता है, कितना बढ़िया कि गर्मी में थोड़ा उतना गर्मी का महसूस नहीं होता है, ठंडा में भी उतना ठंडा का महसूस नहीं होता। Thank you.